हेलो एवरीवन। सो जो 7 अगस्त 2021 को आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यूपीपीसीएल ने जो कंडक्ट कराया था, उसमें जो न्यूमेरिकल्स पूछे थे आपसे, जितने भी न्यूमेरिकल्स कम थे बेसिकली, तो वो मॉडरेट से इजी बताएं। ठीक है, मॉडरेट से इजी हैं वो, लेकिन जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं बेसिकली, जो आप नहीं पढ़ते हैं और कोई भी नहीं पढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि आपके देख सकते हैं ऑटो कैड, पीएलसी, स्काडा, ये आपको ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये पूछनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इसीलिए हैं क्योंकि आपको ना तो ये कॉलेज में सिखाया जाता है, और फर्स्ट थिंग कॉलेज में सिखाया भी नहीं जाता, साथ ही साथ ये आपको जॉब के बाद यूजफुल होती है, जब आप किसी सब स्टेशन वगैरह में काम करने जाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी बहुत नॉलेज सही होती है कि हाँ पीएलसी हम जानते हैं, पीएलसी का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, ऑटो कैड किस लिए हम यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन वो उन्हीं पे पूछ सकते हैं, मोस्टली क्वेश्चन, ठीक है। तो गेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, जैसे कि नैंड नॉर और एंड एक्स और एक्स नॉर सर्किट बना दिया था और आपसे पूछा था कि किस प्रकार का सर्किट है आपका, ठीक है। इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी आपसे पूछी गई है, ठीक है, कितनी होती है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका किसका होता है, जिसको भी सेमीकंडक्टर मटेरियल आपको ऑप्शंस में दिए हुए होंगे, ठीक है। आपको इंसुलेटर दिया था, ठीक है, डायग्राम के थ्रू आपको बताना था कि सस्पेंशन टाइप है, पिन टाइप है, ठीक है, तो कोई सा भी इंसुलेटर आपको दिया होगा, आपसे पूछा गया होगा डायग्राम के थ्रू कि कौन सा टाइप का इंसुलेटर है। वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, और फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन बहुत आए हैं, पावर सिस्टम से भी क्वेश्चन बहुत आए हैं, ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया था, और पूछा बूलियन एक्सप्रेशन देने के बाद आपसे पूछा गया किस प्रकार का गेट है, ठीक है, जैसे कि ए इंटू बी दिया होगा, ए प्लस बी दिया होगा, और होगा तो किसी भी प्रकार का आपको गेट दिया होगा, नॉर एक्स नॉर एक्स और का। तो क्वेश्चन जो लेवल है, बहुत से क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन आधे से क्वेश्चन जो हम मान लें तो बहुत अजीब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि डिपेंड करता है कि किसके जो ऑप्शंस हैं, जो भी लगा के आया होगा, बहुत से लोग तुक्के भी लगाते हैं, तो जिसके बैठ जाए सही, ठीक है, तो वो कर सकता है, ठीक है। NS=120 F/P, कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं। मैक्सिमम ट्रांसमिशन एसी वोल्टेज 765 kV आपको पता है, डीसी में 800 kV है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बीच स्टोन ब्रिज पूछा है, थर्मोकपल इफेक्ट किस पे बेस्ड होता है, ठीक है, बीजेटी कॉमन कलेक्टर मोड में क्या कहलाता है, ठीक है, ट्राई टर्न ऑन कैसे होता है, ठीक है, तो ट्राई की हेल्प से ट्राई का आपका टर्न ऑन होता है। हाफ एडर गेट को हम क्या क्या कह सकते हैं, ठीक, क्या कहते हैं। सोलर एनर्जी कितनी रिसीव, सोलर आपके सोलर जो सोलर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्चुअली एक क्वेश्चन भी, ठीक है, हम मान लिए कि यूपीपीसीएल ने पूछ लिया, बट सोलर से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब वो एमटेक लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में होता नहीं है। अगर यूपीपीसीएल ने पहले कभी कंडक्ट पूछे हों इतने सारे क्वेश्चन तो इंसान को पता लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। सोलर एनर्जी रिसीव कितनी होती है, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। इंडक्शन मोटर का शाफ्ट किससे बना हुआ होता है, ठीक है, पीएलसी, स्काडा, ऑटो कैड, कुछ भी पूछा जा रहा है। टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट के अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग, ठीक है, मोटर की टेस्टिंग, और कोई भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वाले, उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। फिगर आपको गिवन था, फाइंड करना था रिले या फ्यूज में से कुछ था, तो कौन सा रिले है या कौन सा फ्यूज है आपको डिफाइन करना था, ठीक है। आरसीसी पोल की लेंथ आपसे पूछी गई है, बीजेटी कैसा डिवाइस है, करंट कंट्रोल है, और मॉस्फेट आपका वोल्टेज कंट्रोल है, ठीक है। एचवीडीसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, या फिर आपके साथ एचवीएसी और कंपैरिजन था एचवीडीसी के बिटवीन, ठीक है। साथ ही साथ कौन सा टाइप ऑफ स्टार्टर यूज करते हैं हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, यूजेटी का सिंबल क्या होता है, ठीक है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आप देखेंगे, ठीक है, और यूजेटी से देखिए एक बात और ध्यान रखिए, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है, ठीक है, यूजेटी में एक फॉर्मूला बनता है वो भी पूछ लेता है। यूजेटी के दो बेस होते हैं, B1 और B2, बाकी सब SCR जैसा दिखता है थोड़ा बहुत, ठीक है, और नेगेटिव उस पर कोफिशिएंट पे वर्क करता है आपका, ठीक है। तो नेगेटिव इसका क्या होता है, आपका इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है,
ग्राफ आप देख ही लेंगे, बेस वन एमिटर होता है आपसे। हाँ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आज, जैसे कि पेपर और भी हैं B1 B2, ठीक है, तो इस प्रकार का होता है, ठीक है, और ये आपका एमिटर होता है, ठीक है। तो आपसे कभी कभी देखिए UGT के सिंबल पूछा है, तो सिंबल ये होगा, ठीक है, बेस 1 बेस 2 और एमिटर। और कभी कभी आपसे शायद इक्विवेलेंट सर्किट अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट भी आपसे पूछ लेता है ये कि किसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। वही बेस 1 और बेस 2 लगा देंगे आप, ठीक है, और ये एमिटर होगा और ये आपका डायोड होगा, ठीक है। तो और फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, ईटा BBB आपका फॉर्मूला बनता है ऐसे, फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया होगा वो आप पता लगा सकते हैं। जैसे फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है आपका 1 से ग्रेटर देन हो सकता है, मान लीजिए ऑप्शन में 0.7, 0.4, 1 और 0.9 दिया है, तो 1 आप 1 लगा के आएंगे, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर का आपसे कभी कभी रेशियो भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है कि फ्यूजिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट एंड द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, ठीक है, ये आपका फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। इल्यूमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं शायद आपकी, आपसे यूनिट पूछी हो, ठीक है, जैसे कि ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी इल्यूमिनेशन के अंदर आते हैं, ठीक है, उनकी आपसे यूनिट भी पूछी जा सकती है, या फिर कैंडल पावर की बेस्ड क्वेश्चन, या फिर मीन स्फेरिकल कैंडल पावर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है सारे फॉर्मूले, जो कि मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, जो ल्यूमेंस अपॉन 4π फॉर्मूले लगता है, ये सब आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको SSCJEE इलेक्ट्रिकल में मिल जाते हैं। विच कंट्रोलिंग प्रोवाइड इन मेगा, ठीक है, इनपुट ऑफ PLC कितना होता है, लोएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट, ठीक है, ड्रेन गुड्स गेट सोर्स रिलेटेड, आपको पता ही है मॉस्फेट से रिलेटेड। तो देखिए जो एग्जाम दे रहा है, एग्जाम सेंटर के अंदर बैठा है, उसको पता चलता है किस प्रकार के क्वेश्चन है, क्या है ना, मान लीजिए लगातार मैं भी अगर पेपर दे रहा हूँ, कोई भी टीचर पेपर दे रहा है, उसको भी अगर आप एक क्वेश्चन एक साथ पटक दोगे, मान लीजिए PLC के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, जो बनते हुए क्वेश्चन है उसमें भी जो स्टूडेंट होता है वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, केवल वही क्वेश्चन करना है, भले ही लोग 200 के नंबर का है तो 170 करके आए, 160 करके आए, लेकिन 140 150 अच्छे करके आना है, उससे कम भी कर सकते हैं आप, नहीं बन रहा है तो, ठीक है। इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है कि मेरे 120 करे हैं, 140 करे हैं, तो मेरे 135 सही हैं, ठीक है। बाकी आप PPPCL ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाने लगा है, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अगले पेपर जो भी होंगे, मतलब जब भी इसकी आंसर की निकाली जाएगी, तो उस बेसिस पे हम पेपर को देख लेंगे और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ऐसे क्वेश्चनों की, ठीक है।